नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान तेज भर के स्कूल कॉलेजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मगर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर से स्कूल कॉलेजों की रौनक दोबारा से लौट आई है। सोमवार को 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल की क्लास शुरू हो गई, जहां छात्र छात्राएं फिर से पढ़ाई करने के लिए क्लासरूम में मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूल खुल जाने से छात्र छात्राएं काफ़ी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि घर पर बैठकर उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही थी, मगर जब एक बार फिर से स्कूल खुले हैं सुबह काफ़ी खुश हैं। स्कूल प्रबंधन की बात करें तो सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए मात्र सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी रखा गया है और सभी को क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही बैठाया जा रहा है ताकि संक्रमण की चपेट में कोई ना आ सके। महेश प्रताप सिंह, कौन सा स्कूल है और किस तरीके से यहाँ पर कोरोना संक्रमण जिस तरीके से तीसरी संभावित लहर भी आने की आशंका है, ऐसे में स्कूल खुले हैं, किस तरीके से आप लोग तैयारी करके बैठे हुए? सर, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू स्कूल में व्यवस्थाएं इतनी सुचारू रूप से संचालित कराई गई होंगी जिससे बच्चों को एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और बच्चों को हर आधे घंटे बाद सैनिटाइजेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। जो पर्सनली वो आप अपना सैनिटाइजर लेके आए हैं, मास्क का प्रॉपर वे में कैरी करके रखें और क्लास के बाहर भी जाना है तो उनको एक साथ नहीं जाना है, वन बाय वन करके ही उनको क्लास से बाहर जाना है। और छुट्टी के टाइम जो है बच्चे की क्लासें एक साथ रिलीज नहीं की जाएंगी, हम 10-10 मिनट के गैप में जो है बच्चों को रिलीज करेंगे जिससे बाहर भी स्टैंड पर भी उनको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर वे में पालन कराया जा सके और प्रॉपर वे में क्लास मैनेज कराई जाए। क्या नाम है आपका? सर चारू गुप्ता। कितने दिनों बाद स्कूल खुला है और कैसा लग रहा है? सर 6 महीने बाद स्कूल खुला और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है और कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरीके से जागरूक किया गया? सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, पहले से पढ़ाई नहीं होती थी घरों में करते थे, अब स्कूल आ रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम ऋतुराज। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर हम 10th क्लास के। आज इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, कैसे पता लगा स्कूल खुल गए हैं और कैसा लग रहा है स्कूल आने? सर स्कूल आके तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, अब हम लोगों का ग्रुप बना सर व्हाट्सएप पे स्कूल का, तो उसी सर मैसेज आया गया।